अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कबीर अफरीदी। इस वक्त हमने अपने सफर का आगाज कर लिया है। हमारी अगली मंजिल है हांजो ताचाओ, हांजो बे ब्रिज, जो कि समंदर के ऊपर 36 किलोमीटर बना हुआ है। तकरीबन 85 किलोमीटर का रास्ता और बाकी है। इस वक्त हम एक बहुत लंबे टनल से गुजर रहे हैं जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा है। हम एक रेस्ट एरिया में ठहरे हैं, बारिश भी बहुत तेज हो रही है और चाइना में जब आप सफर पे होते हैं तो खुराक का बड़ा मसला होता है, हलाल फूड का। ये हमने एक केक और साथ में मिल्क ली हुई है, ये हमारा लंच है। 2003 में तामीराती काम शुरू हुआ, 2007 में मुकम्मल और 2008 में आम आवाम के लिए ये ब्रिज खोला गया। रोजाना तकरीबन 50,000 गाड़ियों की आमद और रफ्त का सिलसिला कामयाबी से चला। सेंटर में जो सीनिक स्पॉट बना हुआ है उसमें पहुंच गए हैं। यहां से आप बखूबी इस ब्रिज की लंबाई और समंदर का नजारा कर सकते हैं। इस ब्रिज के बारे में मैं आपको खास बात बताता चलूं, ये समंदर के ऊपर 36 किलोमीटर बना हुआ है। दूसरी जो मेन बात है इसके बारे में, इसके जो फाइल्स है, जो लेग्स है समंदर में जो बने हैं, ये स्टील के बने हुए हैं। इसमें 62 मीटर हाइट के साथ 100 साल मटेरियल की गारंटी। करीब ही ऑयल एंड गैस रिफाइनरी और बारी समंदरी शिप्स की प्रेशर की वजह से समंदर भूरी रंग यानी ब्राउन रंग में तब्दील हो गया है। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रश बहुत ज्यादा है क्योंकि चाइना नेशनल डे ऑफ हॉलीडेज है, इस वजह से बहुत ज्यादा टूरिस्ट निकले हुए हैं। हम जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये टावर के टॉप पे। इस वक्त हम 18 फ्लोर के टॉप पे हैं, इसकी हाइट जो है 129.3 मीटर है। हांजो बे ब्रिज का शुमार दुनिया के 10 लंबे तरीन ब्रिजेज में से एक है। इस ब्रिज का जो बड़ा बेनिफिट है, चाइना के दो मेजर सिटीज जो है शांघाई और निंगबो, पहले इनका दरमियानी फासला वो तकरीबन 400 किलोमीटर बनता था, अब इसको डायरेक्ट किया गया हुआ है बजरिया इस ब्रिज, तकरीबन 180 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। इस स्पॉट के एग्जीबिशन हॉल में मशीनरी से लेकर दरपेश आने वाले मुश्किलात और ब्रिज से जुड़े तमाम मालूमात को वाज़ेह नुमाया किया गया है। कुछ
कुछ लम्हे के लिए यहाँ पर इजाफी शुगल किया ताकि अंधेरा छा जाए और ब्रिज के रात का मंजर देख सके।